फ्रेंड्स, यह वीडियो कक्षा 9 के रसायन शास्त्र का चैप्टर 4 का परमाणु संरचना का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या चैनल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 19 तक पहले ही वीडियो में बना चुके हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। क्या होगा आंसर? परमाणु संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न, संकेत नाइट्रोजन 7 जिसका जो आण्विक द्रव्यमान है इसका 14 है, में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें। तो इसमें स्पष्ट है कि इसमें परमाणु संख्या जो है 7, इसमें परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या जो है ऊपर में 14 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कक्षा 9 के सभी चैप्टर का और सभी बुक का सोल्यूशन कराते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल एक प्रोटॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो आता है हाइड्रोजन में नहीं होता है न्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर, किस कण के द्रव्यमान होता है परंतु किंतु आवेश नहीं, किस कण में होता है। इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन में। इसका आवेश होता है नहीं होता है, क्योंकि इसका आवेश जो है उदासीन यानी जीरो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण इसको हम क्या बोलते हैं, तो अल्फा कण बोलते हैं। अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण का हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक, यानी मानिए एक प्रोटॉन इस तरह हीलियम है, इसका एक नाभिक है यानी बीच में है। चलिए 25 नंबर प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन तथा 4 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगी। हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसको दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास निकल जाता है, यानी प्रोटॉन की संख्या 3 और 4 और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिए 7, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो इसका आंसर 7 होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। हम इतना जानते हैं कि के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, सोडियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.8.3 और क्लोरीन का 2.8.7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, क्लोरीन माइनस में प्रोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा 17 प्रोटोन। कितने प्रोटोन होंगे, 17। चलिए 29 नंबर प्रश्न, क्लोरीन की परमाणु में क्लोरीन की परमाणु संख्या जो यानी एटॉमिक मास नंबर जो है वो 17 है, ठीक, तो उसकी संयोजकता बताएं। तो 17 है तो उसकी संयोजकता जानते हैं कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, एल कक्षा में 8, तो कितने मिलाकर हुए, 8 और 2 10। अभी भी मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन बाकी है, जबकि बोर के नियम के अनुसार बोला जाता है कि अंतिम कक्षा में 8 रहना चाहिए, यानी 8 रहना चाहिए, तो 8 हमको पूरने के लिए एक बाग बच रहा है, यानी एक घट रहा है। कितना घट रहा है, 1, तो ये इसका संयोजकता 1 ही हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा संयोजकता। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि यदि तत्व का Z = 3 यानी Z को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी बताइए, तो उस तत्व का नाम जो है लिथियम, क्या होगा, लिथियम होगी, और उसकी संयोजकता क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न, अगर किसी परमाणु का जो है के तथा एल कक्षा 12 है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी। हम जानते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि एल में 8, जबकि दोनों भर गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब दोनों को जोड़ देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका आंसर, 10 इलेक्ट्रॉन, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समस्थानिक तथा संवाहक की पहचान करें। तो समस्थानिक जो होता है
समस्थानिक जो यानी परमाणु संख्या में जो समान हो, यानी जिसमें कार्बन देखिए यहाँ पर इसमें जो 14 ऊपर है इसका द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान में ऐसे इसको समवाहिक कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए परमाणु संख्या में जो है समान 6, इसमें भी परमाणु संख्या 6 है, तो इसको कहेंगे समस्थानिक। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर, हीलियम का द्रव्यमान जो है 4U है यानी MU, इसके परमाणु में 2 प्रोटॉन है तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 4 है जिसमें इसके परमाणु में 2 न्यूट्रॉन है तो इसमें बचा कितना, 2, तो इसका 2 न्यूट्रॉन आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।